हेलो फ्रेंड्स, तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, यानी कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। तो देखिए, प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो कि मदर एंड फीटस के बीच में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज करता है, एंड इससे कुछ हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं जैसे कि HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा सी, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सहेली जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, उसका काम क्या होता है? पहला ऑप्शन है ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, या फिर इंक्रीज द कंसनट्रेटेड ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट्स ओवोल्यूशन इन फीमेल्स इज एन IUD, या फिर इज ए पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसका सही आंसर है ए, ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, यानी कि ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है यूट्रस में, जिससे एग का इम्प्लांटेशन रुक जाता है। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या अंतर होता है? तो इसका सही आंसर है डी, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एमनियन ऑफ ममेलियन एम्ब्रियो इज डराइव फ्रॉम, ममेलियन एम्ब्रियो में पाया जाने वाला एमनियन किससे ड्राइव होता है या फिर किससे बनता है? तो देखिए, एमनियोन एक प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव लेयर होती है या मेम्ब्रेन होती है जो कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के एम्ब्रियो के चारों ओर पाई जाती है, एंड ये एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म से डिराइव होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ए, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी यदि, इसका सही आंसर है एक, यानी कि एक ऐसी पॉपुलेशन जहां प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स या फिर यंगर एज वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, वहां की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्ससीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से सभी को एक्ससीटू कंजर्वेशन में रखा गया है सिवाय एक के, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, सेक्रेट ग्रुप्स, बोटनिकल गार्डन्स या फिर सीड बैंक। तो देखिए, एक्ससीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी प्लांट या फिर एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर, यानी कि जहाँ पे वो रहता है वहाँ से उसे निकाल कर किसी आर्टिफिशियल स्थान पर कंजर्व करके रखना। इसके एग्जाम्पल हैं वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बोटनिकल गार्डन्स एंड सीड बैंक्स, जबकि सेक्रेट ग्रुप्स एग्जाम्पल है इन सीटू कंजर्वेशन का, जिसका मतलब होता है किसी एनिमल या प्लांट को उसके प्राकृतिक आवास में ही कंजर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक, यानी कि पॉपी प्लांट के कौन से पार्ट से स्मैक ड्रग प्राप्त की जाती है? फ्लावर्स, लेटेक्स, रूट्स या फिर लीव्स। तो देखिए, स्मैक या फिर हीरोइन, इसे हीरोइन भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम होता है डाया डाईएसिटिल मोरफिन, एंड इसे पेपावर सोमनीफेरम प्लांट से प्राप्त किया जाता है उसके लेटेक्स से। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, लेटेक्स। मैच द आइटम गिवेन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवेन बिलो। तो यहाँ पे हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया है यूट्रोफिकेशन, इसका मीनिंग होता है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। सेकेंड है सैनिटरी लैंडफिल, इससे हम मैच करेंगे फोर्थ ऑप्शन से, यानी कि वेस्ट डिस्पोजल। सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट डिस्पोजल का एक मेथड है। स्नो ब्लाइंडनेस, इससे हम मैच करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से, UVB रेडिएशन। एंड लास्ट है जूम कल्टीवेशन, इसे हम मैच करेंगे सेकेंड ऑप्शन से।
यानी कि डीफॉरेस्टेशन। तो हमारा सही आंसर होगा सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इनमें से कौन सा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का यूज मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए किया जाता है? कॉमेंसलिज्म, म्यूटलिज्म, पैरासिटिज्म या फिर एमेंसलिज्म। तो देखिए, जब दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के पास रहना चाहे तो उसे एमेंसलिज्म कहते हैं। एंड एक दूसरे को दूर रखने के लिए ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका यूज़ एंटीबायोटिक बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, एमेंसलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से कौन सा इवेंट है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है? प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड या फिर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। इसका सही आंसर है डी, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये सही है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल, ये भी सही है। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD डेट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स, ये भी सही है। एंड लास्ट है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है, ना कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैनी राइबोसोम में एसोसिएटेड विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनसली सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम आर टर्मेस, यानी कि कई सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA से जुड़ जाते हैं पॉलीपेप्टाइड की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। तो इन स्ट्रिंग्स को क्या कहते हैं? पॉलीसोम, पॉलीहेड्रल बॉडीज, प्लास्टिडोम या फिर न्यूक्लियोसोम। तो देखिए, इसे कहते हैं पॉलीसोम, एंड ये प्रोसेस ट्रांसलेशन के समय होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा मैच गलत दिया है। पहला है लैम्ब्रूस क्रोमोसोम, डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स, पहला सही है। एलोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम, ये भी सही है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एल शेप्ड क्रोमोसोम, ये भी सही है। एंड लास्ट है पॉलीटीन क्रोमोसोम, ओसाइट्स ऑफ एम्फीबियंस, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को जाइंट क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े आकार के होते हैं एंड ये इंसेक्ट की सैलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सैलाइवरी क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। नीसल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, नीसल बॉडीज मेनली किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, DNA एंड RNA, न्यूक्लिक एसिड एंड SER या फिर फ्री राइबोसोम्स एंड RER। सही आंसर है डी, फ्री राइबोसोम्स एंड RER की नीसेल बॉडीज बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन, यानी कि इनमें से कौन सी टर्म ह्यूमन डेंटिशन को दर्शाती है? तो देखिए, ह्यूमन में उनकी लाइफ में दो तरह के टीथ सेट पाए जाते हैं, प्राइमरी जिन्हें कि मिल्क टीथ भी कहते हैं एंड परमानेंट, यानी कि ह्यूमन में डाइफोडेंट टीथ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, थिकोडेंट, डाइफोडेंट एंड हेट्रोडेंट। तो ह्यूमन में ये तीन तरह के दांत पाए जाते हैं। और आपको यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, आपको अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है और उसे डाउटनट ऐप पर अपलोड करना है। कुछ ही सेकंड में आपको अपने क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। एंड इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।